नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब कारोबारी उस वक्त सकते में आ गया जब उसके घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस शराब कारोबारी राजा राय की पहचान कांग्रेस नेता के रूप में हुई है, वहीं परिवार के अन्य सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। छापे में 8 करोड़ रुपए नकद मिले तो 3 किलोग्राम सोना भी मिला है। राजा राय के पिता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और चाचा नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं। शराब कारोबारी राजा राय के घर जबलपुर, सागर और छत्तीसगढ़ के आयकर अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गुरुवार से चल रही है। इस बड़ी छापेमारी कार्रवाई में काले धन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। राजा राय के आवास पर करीब 8 करोड़ रुपए मिले हैं। पानी की टंकी में शराब कारोबारी द्वारा अवैध धन छुपाया गया था। तो यह वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। पानी की टंकी में मिले बैग में कल से नोट्स जो पूरे गीले होते थे वो खड़े आ रहे हैं। चाबी का और क्या गैलरी भी तो है ना, निकाले आए तो कैसा पॉलिसी में डाला है कमान अपर आयुक्त ने संभाली है। अपर आयुक्त ने यह बात भी कही है कि अभी और भी सर्चिंग की जा रही है। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द लोक नीति।